आज मेरे साथ हैं देवदत्त शर्मा जी, देवदत्त सिंह जी, 62 वर्षीय हैं और वरिष्ठ जो है वो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, है ना, और अजायु गांव से हैं, उमेर तहसील, आजव गांव से, कुमेर तहसील और भरतपुर जिले, ठीक है। आप अपने बारे में तो ये बताओ कि आपके साथ हुआ क्या था पैर में जो तकलीफ। इसमें एक एक्सीडेंट, वो हम एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल जा रहे थे, तो वो क्या हुआ, चलते चलते एक टर्न आया, उस पे कट था, उस पे मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, ये पैर मुड़ गया जी। हाँ जी, फिर हमने खंडागम दिखाया तो हड्डी, उन्हें बताया कि हड्डी से हड्डी भिड़ी हुई है और उसको आपको ऑपरेशन कराना है। तो तब से हमने इसका तो पेंडिंग रखा क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब हमारे गांव के एक राजू सर पर ऑपरेशन करा गए थे, वो सारा नहीं हुआ। पहले ये बताओ कि फिर क्या दर्द होना शुरू हो गया था, दर्द चलने में वो चलने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर हमने दवा गोली ली, उससे रिलीफ नहीं मिली, वो पेन किलर लेना शुरू किया। तो फिर एक केमिस्ट थे इनके, मेरे बेटे के मित्र, पेन किलर से भी पेन ठीक नहीं हुआ, वो ये कहा कि तुम इतने क्यों ले रहे, लीवर किडनी खराब होगी। अच्छा, तो उन्होंने फिर एक बहुत ही पीड़ा पट्टी, मेरे पिताजी और मेरे देवदत्त जी को दो साल तक पैरों में दर्द रहा। फिर जब ज्यादा तकलीफ बढ़ गई, चलना मुश्किल हो गया, पैर उठा के चलना हो गया, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कुछ किया जाए, कोई दवाइयां किसी प्रकार की कोई असर नहीं करेगी। पैरों में स्वेलन आ रही थी। अच्छा, पैरों में सोलन भी आनी शुरू हो गई थी, जी दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। फिर उस आपको किसने बताया, क्या किया आपने? हमारा विचार तो था ये सर्जरी कराने का, लेकिन अब हमारे गांव में करतार सिंह जी यहाँ से करा के गए राजीव सर से, तो उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा कि वो करते बहुत बढ़िया है। वहां से जाके फिर इनका वो रोबोटिक वाला वो आया ना, करतार सिंह ने डॉक्टर राजीव गुप्ता के बारे में बताया कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, सर और वो दोनों। फिर ये भी पता चला कि आप रोबोटिक सर्जरी भी करने लगे हैं। हाँ, ये रोबोटिक करने लगे। अच्छा। नहीं, पहले हमारा विचार था कि हम उसमें कराए प्रोटीन में। अच्छा, पहले कौन से डॉक्टर? अनिल जब यहाँ हो गए तो यहाँ पे कुछ मैंने आखिर कराया था 8 तारीख को, तो जब यहाँ तो सब जान दी है, इनका पूरा सहयोग मिला, फिर हम यहाँ पे आए, रोबोटिक सर्जरी आखिर करवाई ही ली। और अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस, कोई दर्द महसूस नहीं कर रहे, दर्द नहीं है। बस इनको फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह दे दी जाती है, फिजियोथेरेपी 15-20 दिन फिजियोथेरेपी होंगी, उसके बाद में इनकी दिनचर्या सामान्य हो जाएगी। अभी भी जो है देवदत्त जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, कल 4 सुबह का चक्कर कर लिए, 2 फिर शाम को 3 कर लिए। अच्छा, ठीक, मैं अच्छा, आप इनकी सुपुत्र हैं? हाँ। अच्छा, मैं क्या करते हो आप? मैं तो नर्सिंग स्टाफ ही हूँ। आपका नाम? रविंदर सिंह। अच्छा, कहाँ पर हो आप? मेदांता। कहाँ? गुड़गांव। अच्छा, ठीक है, तो बढ़िया, ऐसा रोबोटिक सर्जरी द्वारा आपकी दिनचर्या सामान्य हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। अरे, ये सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी मदर करा ले रोबोटिक। अच्छा, मदर को भी कराना है? बायलैटरल है, उनको दोनों में दिक्कत है, बायलैटरल है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा क्या ठीक है, मतलब अब इनका एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर आप डिसीजन लोगे मदर का? डिसीजन तो है, डिसीजन है, कराना है, उन्हें ही है, उन्हें ही है। थोड़ा वैसे है कि दर्द थोड़ा ज्यादा है, धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर बोलो। मेरा 9782524359। और पापा का? 9928340002। थैंक यू। डॉक्टर राजीव गुप्ता का आभार। क्या आपने सफलतापूर्वक रोबोटिक सर्जरी संपन्न कर आपको सामान्य जिंदगी की तरफ अग्रसर किया? सही बात, बहुत बढ़िया।